अब मैं मतला पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिएगा मोहब्बत के साथ। जो मदीना जाना चाहता है वो कहता है, या रसूल अल्लाह, हमें ना दौलत पे ना और कुछ पे भरोसा है, बस भरोसा है तो किस पे है, पेश करता हूँ सुनिएगा। कि मेरी हसरत मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था, मेरी हसरत मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। तबा मेरे साथ पढ़ ले, जब तक सवाल समझ में ना आए जवाब नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूँ दूसरा मिसरा आसान हो जाए आपके लिए, पहला मिसरा पढ़ ले। मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। बरसती गए मदीने में जो रहमत, बरसती गए मदीने में जो रहमत, उसी में मैं नहाना चाहता हूँ। कैसे? मुझे आका मदीने में तो अच्छा था, मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। अब दीवाना कहता है अगर मदीना पहुंच जाते तो अच्छा था। फिर कहते हैं, वहीं रहते वहीं जीते वहीं पर जान दे देते, वहीं रहते वहीं जीते वहीं पर जान दे देते, वहीं रहते वहीं जीते वहीं रहते वहीं जीते वहीं पर जान दे देते। कैसे? अगर तैबा अगर तैबा अगर तैबा मैं घर अपना बना लेते तो अच्छा था, अगर तैबा मैं घर अपना बना लेते तो अच्छा था। जो खामोश है उनके कान में हल्की हल्की आवाज में पढ़ दें ताकि वो भी आपके साथ हो जाएं और यही पढ़ें। मुझे तो अच्छा था। एक शेर और सुनाता हूँ, सुनिएगा।
शेर अच्छा हो तो कबूल कीजिएगा, वरना मुझे मेरा शेर वापस कर दीजिएगा, ठीक है? सुनाता हूँ, सुनिएगा। हमें वैसे भी ये दुनिया किसी दिन छोड़ जाना है, हमें वैसे भी ये दुनिया किसी दिन छोड़ जाना है, आपकी मोहब्बतें में लेकर भागलपुर जाऊंगा और बहुत दुआएं दूंगा, क्योंकि आप इतनी अच्छी आवाज में पढ़ रहे हैं मेरे साथ। लोग जलसा सुनने आते हैं लेकिन आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने वालों में भी आपका नाम आ जाए, अल्लाह करे। जरा मोहब्बत से, मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। एक शेर और सुनिएगा। यकीनन कब्र में दीदार होगा आपका, लेकिन यकीनन कब्र में दीदार होगा आपका, लेकिन किसी दिन ख्वाब में चेहरा दिखा देते तो अच्छा था। जमाने जमाने की मोहब्बत में बहुत आंसू बहाते हो, 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 मगर नबी की याद, नबी की याद, नबी की याद में आंसू बहा लेते तो अच्छा था। नबी की याद में आंसू बहा लेते तो अच्छा था, अगर ये जान आका पर लुटा देते तो अच्छा था। एक शेर और आज की हकीकत पेश करता हूँ। अमीरों के लिए तो हर कोई पलके बिछाता है, अमीरों के लिए तो हर कोई पलके बिछाता है, अमीरों के लिए तो हर कोई पलके बिछाता है, अमीरों के लिए तो हर कोई पलके बिछाता है, अरे गरीबों
अच्छा था गरीबों को कले जैसे लगा लेते तो अच्छा मोहब्बत से गरीबों को कले जैसे लगा लेते तो अच्छा मुझे आका मदीने में तो अच्छा था। और एक शेर मैंने इसमें कहा है, वो शेर कौन सा है? आज की हकीकत को जहन के हाशिए पर रखिएगा और ये शेर सुनिएगा, शेर कितना अच्छा सुनिएगा। दुआ के वास्ते पीरों से और बाबा से कहते हो, सुनाता हूँ शेर सुनिएगा। दुआ के वास्ते पीरों से और बाबा से कहते हो, शेर सुनिएगा, शेर सुनकर बताइएगा कि कैसा शेर सुनते हैं आप। दुआ के वास्ते पीरों से और बाबा से कहते हो, दुआ के वास्ते पीरों से और बाबा से कहते हो, दुआ के वास्ते पीरों से और बाबा से कहते हो, अगर तुम बाप अगर तुम बाप और माँ से दुआ ताकि याद हो जाए पढ़ने, ये हकीकत बात है, आज की हकीकत है क्या। अगर हम बाप और माँ से मुझे आका मदीने में, और एक शेर कहा है मैंने, वो शेर कौन सा सुनिएगा। हो सकता है कि उलमा इकराम पे लोग उंगली उठा सकते हैं, लेकिन शेर मैंने कहा है, उसको यूं कहा है, मना किसने किया है पीर से उल्फत नहीं रखना, मना किसने किया है पीरों से उल्फत नहीं रखना, मना किसने किया है पीर से उल्फत नहीं रखना, मगर माँ बाप मगर माँ बाप मगर माँ बाप को पहले मना लेते तो अच्छा था, मगर माँ बाप मना लेते तो अच्छा। हकीकत बात है तो हकीकत बात छुपनी नहीं चाहिए, छपनी चाहिए जरा मोहब्बत से कैसे। अगर माँ बाप को पहले मना लेते, और हजरत जिस जलसे में जाते हैं गालिबन मुलाकातें होती रहती है, और आज भी मुलाकात हुई, हजरत का पैगाम क्या होता है सुनिएगा। एक शेर के जरिए से मैं इनकी मोहब्बतें आप तक बांटता हूँ, सुनिएगा। यकीनन इस अमल से खुश मेरे सरकार होते हैं, सुनिएगा। यकीनन इस अमल से खुश मेरे सरकार होते हैं, यकीन इस अमल से खुश मेरे सरकार होते हैं,
धारा अगर चेहरे यकीनन इस अमल से खुश मेरे सरकार होते हैं। यकीनन इस अमल से खुश मेरे सरकार होते हैं। अगर चेहरे पे दाढ़ी को सजा लेते तो अच्छा था। अगर चेहरे पे दाढ़ी को सिर्फ पढ़ना है कि करना भी है? बोले इंशाल्लाह इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे भी और कभी दाढ़ी कटेगी भी नहीं इंशाल्लाह, है ना? जरा मोहब्बत से अगर चेहरे पे दाढ़ी को सजा लेते तो अच्छा था। सुनाते हैं जमाने भर को नाते मुस्तफा अजमत, सुनाते हैं जमाने भर को नाते मुस्तफा अजमत अजमत अजमत। सुनाते हैं जमाने भर को नाते मुस्तफा अजमत, सुनाते हैं जमाने भर को नाते मुस्तफा अगर एक नात आका को सुना लेते तो अच्छा था। अगर एक नात आका को आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम ही नहीं सुन रहे हैं, उलमाए कराम ही नहीं सुन रहे हैं, बल्कि मेरे आका भी समाअत कर रहे हैं। लेकिन हर दीवाना चाहता है कि आका की मौजूदगी हो, गुलाम हाजिर हो और आका की बारगाह में सुनाया जाए। क्या? हाँ, अगर एक नात आका को तो अच्छा था या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नबी अल्लाह। मैं फिरू दर बदर अपना ये शहर अच्छा नहीं लगता, बुला लीजिए मदीने में इधर अच्छा नहीं लगता। तलाशे रिस्क की मजबूरियां के सामने वरना मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। मुझे आका मदीने में तो अच्छा था। मुझे आका मदीने में बुला लेते तो मुकम्मल करूं क्योंकि हजरत बैठे हैं और ज्यादा देर तक हजरत को बिठाना ये ठीक बात नहीं है। एक मतलब दो तीन शेर तेजी के साथ, कौन सा मतलब सुनिएगा? दीवाना कहता फख्र से आका के गुलाम कहते हैं, क्या सुनिएगा? के उनका मंगता जो मंगता नहीं होने। किसी की आवाज
आवाज खामोश नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम जो खाते हैं मेरे हुजूर का सदका है। जरा मोहब्बत से, उनका मंगता, उनका मंगता मैं, उनका मंगता मैं, उनका मंगता मुझो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता, उनका मंगता, उनका मंगता मुझो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका, पढ़िए मेरे आका मुझे रुसवा देते। अगला शेर सुनिएगा, मेरे हर ऐब की। हजरत बता रहे थे रूम में कि आज लोग इस फिराक में रहते हैं, इस मौके के तलाश में रहते हैं, कब मैं दूसरे के अंदर कुछ खामियां पाऊं, दूसरे को जाकर बताऊं, है ना, इसी में जिंदगी गुजर रही है, लेकिन हुजूर के करीमी पे कुर्बान जाएं। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, इसलिए मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने दे दे। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने दे दे। मेरे आका, आखिरी शेर, अपने मंगतों की वो फहरेस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की मेरे आका, मेरे मौला, मेरे दाता, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, इसलिए मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे आका मुझे, हाँ मेरे आका मुझे, हाँ मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे मौला, मेरे दाता।